नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी का पटाका में। दोस्तों, जी टीवी का नंबर वन शो है कुंडली भाग्य। लेकिन जब से धीरज धूपर ने छोड़ा कुंडली भाग्य को, तब से कुंडली भाग्य के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रही हैं। टीआरपी गिर रही है और अब आ रही है बड़ी खबर सामने। हम आपको बता दें कि एकता कपूर को टेकने पड़ ही गए आखिर धीरज के आगे अपने घुटने। जी हाँ, धीरज धूपर ने की एकता कपूर से खास मीटिंग। क्या होगी कुंडली भाग्य में धीरज की वापसी? क्या है पूरी खबर? चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टीवी का पटाका की। लेकिन टेलीविजन इंडस्ट्री की हर खबर को जानने के लिए टीवी का पटाका को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एकता कपूर का नंबर वन शो है कुंडली भाग्य। कुंडली भाग्य में शक्ति अरोड़ा की एंट्री के बाद से दर्शकों को इंतजार था कि आखिर कब पता चलेगा प्रीता को कि अर्जुन ही उसका कारण है। लेकिन अभी तक ये सच्चाई ना तो प्रीता के सामने आई और ना ही लूथरा हाउस वालों के सामने आई। अब ऐसे में मेकर एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि गिरती हुई टीआरपी से एकता कपूर परेशान हो गई हैं और अब फाइनली प्रीता के सामने ये रिवील होने जा रहा है कि अर्जुन ही उसका कारण है। लेकिन ऐसे में फैंस की डिमांड है कि वो शो के अंदर धीरज धूपर को वापस लाएं। धीरज धूपर जो कि शो की जान थे, करण लूथरा का किरदार निभाते थे। हम आपको बता दें कि फिलहाल धीरज धूपर कलर्स टीवी के शो शेर दिल शेर गिल में नजर आ रहे हैं। उसमें वो लीड रोल निभा रहे हैं। लेकिन उस शो की टीआरपी गिर गई है। शो ना तो टीआरपी दे रहा है और मेकर्स के बीच में भी आपस में काफी ज्यादा डिस्प्यूट हो गए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि शो को ऑफ एयर कर दिया जाए। और ऐसे में धीरज धूपर ने एकता कपूर से मीटिंग भी की है। खबरों की माने तो धीरज एक बार फिर से एकता के कैंप में वापसी कर रहे हैं, यानी कि कुंडली भाग्य में वापसी कर रहे हैं। जैसे ही प्रीता के सामने ये सच आएगा कि अर्जुन ही उसका कारण है, वैसे ही शो में नया ट्विस्ट डाला जाएगा और वापस से रियल करण लूथरा यानी कि धीरज धूपर को लाया जाएगा। क्या आप एक्साइटेड हैं धीरज को वापस से शो में देखने के लिए? हमें कमेंट्स में आप जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।